तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब की नई वीडियो पर आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएगा जाएगा भाई कोर कटिंग, जो खड्डा लगा जाता है उसके अंदर किस प्रकार से जाली लगाई जाती है, किस प्रकार से उसकी ग्राउटिंग की जाती है। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। ये देखिए गाइस, ये हमारी जाली है, जो ये टाइल लगी पड़ी है इसके किनारे किनारे जिसकी कटिंग हुई पड़ी है, ये अंदर से बिल्कुल खाली रहती है। इसके अंदर कोई सीमेंट ना कोई मसाला रहता है। जो मसाला रहता है वो थोड़ा कच्चा रहता है। इसके अंदर से पानी एकदम क्रॉस हो जाएगा। जब पानी क्रॉस होएगा वो नीचे से फिर सुराख के अंदर चला जाएगा, फिर वो नीचे कोर जो लेंटर जो हमारा होता है वो फिर लीकेज होएगा। इस करके कि इससे बचने के लिए हम आपको एक उपाय बताएंगे। जैसे ऊपर वो बैंड दिख रहा है वहीं से ये लीकेज होता है, बैंड के ऊपर खड्डा खड्डे में से दिखता है ये। ये देखिए, इस प्रकार से जाली को जो खड्डे हैं भरे जाते हैं। ये सीमेंट और डॉक्टर फिक्सिट केमिकल है। इसके अंदर सीमेंट के अंदर कोई पानी यूज़ नहीं करना, हमने सिर्फ केमिकल डालना है इसके अंदर, प्योर केमिकल डालना है डॉक्टर फिक्सिट। बिल्कुल एकदम पत्थर प्लास्टिक की तरह बन जाता है ये एक दिन में ही सूख के। खड्डा भरने से पहले, जो किनारी भरने से पहले, इसको एक बार भिगा लें, गीला कर लें, फिर इसे लगाएं केमिकल और सीमेंट्स को, दोनों को मिला के आपस में फिर लगाएं इसे। जब आप इसे मिला देंगे तो इसका रंग ब्लू हो जाएगा। पूरी अच्छी तरह से इसको कोर को भरो ताकि पूरा प्लेन रहे, एक भी खड्डा नहीं छूटना चाहिए। अगर इसके अंदर एक भी खड्डा होए तो वहीं से पानी अंदर चला जाएगा इसके अंदर, फिर आपका लेंटर लीकेज होएगा। पूरी अच्छी तरह से प्लेन करना ताकि इसके अंदर पानी आते हुए सीधा नीचे जाए हमारा पाइप। और इसे लगाते हुए ग्लव्स पहन ले, नहीं तो ये हाथ में सुराख कर देगा। ये केमिकल बहुत हार्ड होता है, ये हाथ को काट देता है। एक भी खड्डा नहीं रहना चाहिए ऐसे। ये देख लीजिए, इस डब्बे के अंदर केमिकल है, ये वाइट रंग का होता है। इस प्रकार से इसे तैयार किया जाता है सीमेंट के अंदर डाल डाल के। यह है किचन सिंक की जाली है। इसे लगाने के बाद टाइल को साफ कर ले, नहीं तो ये जहाँ पे लग जाता है वहाँ से ये मिटता नहीं है। और ये जाली लगाने का बहुत तगड़ा फार्मूला है, इस प्रकार से जाली लगानी चाहिए। अगर हम सिर्फ वाइट सीमेंट में जाली लगाएंगे वो उतर जाती है, वाइट सीमेंट में त्रेड आ जाती है। इस करके हम नीचे नीचे इसको लगाते हैं, ऊपर से वाइट सीमेंट को लगाते हैं ताकि ये ब्लैक ना दिखे। ये ब्लैक ब्लैक दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, इस करके हम इसको भर देंगे। ये देखिए वाइट सीमेंट लगाया जा रहा है ऊपर से।
अच्छी तरह भरे। वाइट सीमेंट को भी प्लेन करते भर भर के। ये देखिए ये हमारी सिंक है, ये ऊपर से ऐसी पाइप किचन का आ रहा है, ऊपर भी इसके ऊपर भी किचन है। अच्छी तरह टाइल को साफ कर ले, इस पर एक भी केमिकल कुछ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये दाग मिटता नहीं है। अगर वीडियो को नए हो तो वीडियो कर देना लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।